बनाने वाले हैं रेड चिकन चिल्ली, और उसके लिए हमें चाहिए शेजवान चटनी एक बड़ी चम्मच, ग्रीन सॉस लेंगे एक बड़ी चम्मच, वेनेगर लेंगे एक चम्मच, टमाटो केचप लेंगे एक बड़ी चम्मच, रेड चिली सॉस लेंगे एक बड़ी चम्मच, नींबू का रस लेना है आधा, फूड कलर लेंगे थोड़ा सा, सोया सॉस लेंगे एक बड़ी चम्मच, नमक स्वाद अनुसार लेंगे, चॉप मसाले में अदरक लहसुन हरी मिर्ची और थोड़ा सा पुदीना चॉप करना है, शिमला मिर्च लेंगे हम तीन कलर का, हरा पीला और लाल, काजू लेंगे थोड़ा सा, टुकड़ों में कटा हुआ आधा प्याज लेंगे, एक अंडा लेंगे, बोनलेस चिकन लेना है हमें आधा किलो, मैदा लेंगे हम एक बड़ी चम्मच, कॉर्नफ्लोर लेंगे एक बड़ी चम्मच और चॉप किया हुआ आधा प्याज लेंगे। सब में पहले हम चिकन में मसाले लगा के लेंगे। पहले मैं नमक ऐड करूंगी इसमें, मैंने एक चम्मच नमक इसमें ऐड किया है। अब इसमें एक अंडा डालेंगे हम और चॉप मसाला डालेंगे, अदरक लहसुन थोड़ा सा डालेंगे, बाकी का हम ग्रेवी के लिए बचाएंगे। टमाटो सॉस भी डालेंगे थोड़ा सा, फूड कलर भी ऐड करेंगे इसमें, नींबू का रस डालेंगे, बीज को हटा देंगे, छान के डालना है। एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसमें और एक चम्मच मैदा डालेंगे। अभी इन मसालों को चिकन के साथ में अच्छे से मिक्स करके लेंगे। चिकन में मसाले हमारे लग चुके हैं, अभी हम इसे 15 मिनट के लिए मैरिनेट करने रख देंगे और कॉर्नफ्लोर और मैदे को मिक्स करेंगे। एक बाउल में मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, इसका एक घोल बना के रखना है हमें, अच्छे से इसे मिक्स करके घोल बना के रखेंगे। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है तो अभी हम इसे फ्राई करेंगे। उससे पहले हमें कैप्सिकम प्याज और काजू को फ्राई करके निकालना है। कढ़ाई में रखी हूँ, तेल गरम हो चुका है। अभी इससे पहले मैं काजू को ऐड करूंगी, काजू को हमें हल्का ब्राउन करना है, तो अच्छे से इसे फ्राई होने दीजिए। काजू हमारा फ्राई हो चुका है, अभी इसे हम निकाल देंगे और कटोरी में फिर से रख देंगे। अभी हम कैप्सिकम ऐड करेंगे तेल में, इसे भी हल्का फ्राई करके निकालेंगे। कैप्सिकम हमारा फ्राई हो चुका है, हमें हल्का कच्चा ही रखना है इसे। अभी मैं इसे निकाल दूंगी और उसके बाद में प्याज को फ्राई करेंगे। अभी तेल के अंदर प्याज को ऐड करूंगी, प्याज को भी हल्का भूनना है हमें, तो इसे अच्छे से फ्राई होने दीजिए। प्याज भी हमारा फ्राई हो चुका है, अभी हम चिकन को फ्राई करेंगे। कढ़ाई में चिकन डालते जाएंगे। और इसे अच्छा फ्राई करके निकालेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अभी हम इसे निकालेंगे, प्लेट में निकाल के रख देंगे। तेल को एक्स्ट्रा तेल को अच्छे से छान लेंगे और ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे। कढ़ाई में मैंने दो चम्मच तेल डाल चुकी हूँ, अभी चॉप मसाले डालेंगे इसमें, अदरक लहसुन हरी मिर्ची और पुदीना इसे ऐड करूंगी और अच्छे से एक मिनट इसे भूनेंगे। अभी इसमें प्याज को ऐड करूंगी, जो चॉप किया हुआ प्याज है वो डाल दूंगी। एक मिनट तक इसे भी अच्छे से पकाएंगे। प्याज हमारा भून के हो चुका है, अभी बाकी के सॉस हम ऐड करते जाएंगे। इसमें टमाटो केचप डालूंगी, सोया सॉस डालेंगे, रेड चिली सॉस भी ऐड करेंगे,
शेजवान चटनी डालेंगे और ग्रीन सॉस डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करके अभी इसके अंदर हम मैदे का और कॉर्नफ्लावर का घोल बना के रखा है वो डालेंगे और इसे मिला देंगे अच्छे से। गैस को हमें फास्ट ही रखना है और साथ में थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। हमने चिकन में भी नमक ऐड किया है तो इसमें थोड़ा ही ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं, काफी है। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। मसाला हमारा गाढ़ा होते जा रहा है तो हम थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे। इसे मिक्स करेंगे और अच्छे से पकने देंगे। ग्रेवी हमारी अच्छे से पक गई है, इसमें अभी विनेगर ऐड करेंगे। इसे मिक्स करेंगे। अगर आपको ग्रेवी ठीक चाहिए तो थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। इसमें और थोड़ा पानी को ऐड करूंगी। काफी है, अभी चिकन को ऐड करेंगे हम। इसे मिक्स करके लेंगे चिकन को अच्छे से। चिकन हमारा मिक्स हो चुका है ग्रेवी के साथ में। अभी हम इसे बारीक आंच में ढक्कन ढक के 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटाऊंगी मैं। चिकन हमारा तैयार हो चुका है ग्रेवी के साथ में। अभी इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे और प्याज। इन सबको मिला देंगे अच्छे से। और हमें काजू को भी ऐड करना है तो काजू भी इसमें ऐड करेंगे। इसे भी मिक्स करेंगे। रेड चिकन चिल्ली हमारी तैयार है, अभी गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। लीजिए, तैयार है हमारी रेड चिकन चिल्ली। इसे जरूर ट्राई कीजिए और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।